हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए बहुत ही अलग से एक रेसिपी, जो हम बनाने जा रहे हैं फूल गोभी का भरता, जो खाने में बहुत टेस्टी, बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए हम जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, फूल गोभी को मैंने डंडे से बिल्कुल अलग कर दिया है, बस फूल फूल ही लिया है। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का गोभी लिया था फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पर पानी उबल रहा है। इसी उबलते हुए पानी में हम फूल गोभी को डाल देंगे और तब तक उबालेंगे जब तक कि ये बॉईल ना हो जाए, पक ना जाए। लगभग 4 से 5 मिनट लग सकते हैं इसको बॉईल होने में। तो अभी हम इस गोभी को चेक करेंगे, और मैंने चेक करके देखा है ये पक चुका है। तो अब हम पानी से इसको अलग कर लेंगे। देखिए ये प्लेट में निकाल लिया है हमने, ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसको मैश कर लेंगे, एक चम्मच की मदद से हम अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। दोस्तों, आप चाहे तो हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये गर्म था तो मैंने चम्मच से किया है। अब हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स, सरसों के तेल से इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं राई के कुछ दाने, और ये जब तक चटकेगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, बारीक कटे हुए प्याज, लहसुन और धनिया के पत्ते। तो फ्रेंड्स देखिए, ये चटकने लग गया है दाना। तो अब हमने इसमें डाल दिया है प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, और इन सबको डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। लगभग 1 मिनट हमने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को भून लिया है, और लगभग 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर के डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 1 चम्मच धनिया का पाउडर। आप चाहे तो जीरा पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। और इसको भी हम भून लेंगे लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद हम इसमें मैश किए हुए अपने फूल गोभी को डाल देंगे और इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फूल गोभी में क्योंकि थोड़ा सा पानी रह जाता है, क्योंकि हमने इसको पानी में बॉईल किया है, तो इसको थोड़ी देर तक हमें भूनना पड़ेगा गैस पे। तो देखिए, इसको अच्छे से मैश करते हुए हम भून रहे हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो फ्रेंड्स, आप डाल सकते हैं नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। तो फ्रेंड्स, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्च ना डालें या फिर लाल मिर्च ना डालें, थोड़ा तीखा का मात्रा कम कर लें। तो अब हम इसको भी अच्छे से चला लेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, और इसको मैश करते रहेंगे। तो देखिए, ताकि जो फूल गोभी में पानी था वो सारा पानी सूख जाए, और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। देखिए, ये बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें। और अब हम इसमें डाल देंगे हरे धनिया के पत्ते, और हरा धनिया डाल के भी हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो धनिया का फ्लेवर है हमारे भरते में बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाए। सो फ्रेंड्स, हमारा फूल गोभी का भरता बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। गर्मा गर्म चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर।